नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। जामताड़ा में लगातार बिजली कटौती को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने आज बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। जामताड़ा जिले को पहले 60 मेगावाट बिजली मिलती थी और आज के समय मात्र 20 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही, जिस कारण से पूरे जामताड़ा जिले में ब्लैक आउट की स्थिति बनी हुई है। 24 घंटे में लोगों को महज 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का और भी बुरा हाल है। धरने पर विधायक के साथ पार्टी के लोग मौजूद थे, जो बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी के साथ जामताड़ा SDPO और CO बिजली ऑफिस पहुंचकर विधायक से बात की। विधायक ने कहा कि जामताड़ा को 60 मेगावाट की जगह पर मात्र 20 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था का बुरा हाल है। लोगों को मात्र कुछ घंटे की बिजली ही मिल रही है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केंद्र सरकार DVC और NTPC से राज्य में विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग के GM से वार्ता हुई है, जामताड़ा को अभी तत्काल 40 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। देखिए, विगत एक महीने से केंद्र सरकार जो है भाजपा की सरकार ने झारखंड में जो और मिलना चाहिए था वो नहीं दे रही है। एक साजिश के तहत बिजली काटा जा रहा है और जनता को ये लग रहा है कि हमारी सरकार, हम लोग बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आज हम बिजली ऑफिस आए हैं और हम यहाँ धरना पर बैठे थे। अभी DSP साहब आए हैं, अभी SPD साहब, सारे पदाधिकारी CO साहब वगैरह आए और हमने कहा कि जामताड़ा को हर हाल में जो पहले जो 60 मेगावाट बिजली मिलना चाहिए मिल रहा था वो मिलना चाहिए, मात्र 20 मेगावाट बिजली। अब बताइए, गाँव में तो एकदम लगता है कि बिजली जा ही नहीं रहा है, शहर में भी बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो अभी KK वर्मा साहब जो हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई, 20 मेगावाट की जगह अब 40 मेगावाट जामताड़ा को बिजली मिलेगा और अब लगभग 18 से 19 घंटा लाइन गांव में और शहर में मिलेगा। एक एक घंटा कटौती होगा, जो हमेशा जो मोदी सरकार काट रहा है केंद्र में, वो झारखंड में भी लागू है। केंद्र सरकार ने बिजली काट दिया, इसी को लेकर हम आए थे वार्ता करने के लिए। सच्चाई मालूम चला कि NTPC भी बंद कर दिया है और DVC भी बिजली देना बंद कर दिया है। तो इसको लेकर अभी हमने बात किया है और अब हम रांची जा रहे हैं। हम CM साहब से मिलेंगे और एक कहेंगे कि NTPC जो है झारखंड के अधीन है। कोयला हम लोग देते हैं, पानी हम लोग देते हैं, बालू हम लोग देते हैं और आंख दिखाएगा NTPC केंद्र मोदी सरकार हम लोग को आंख दिखाएगा, बिजली हमारा काट लेगा झारखंड का, ये हम नहीं चलने देंगे। और जनता को बिजली देने की जवाबदेही इरफान अंसारी का है। 24 घंटा हम बिजली दे रहे थे, ग्रिड भी हमने बनवाया है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, हम आए हैं धरना दिए और हमने जो छोटाओ जो प्रॉब्लम था उसका भी हम समस्या का समाधान निकाल दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।